आइए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला, ये शेयर में या निफ्टी 50 इंडेक्स में। 1/1/2014 को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। 6 साल बाद 1 जनवरी 2020 को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। लॉकडाउन में जब लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट थी तभी 23 मार्च को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। और अभी शेयर प्राइस है और इंडेक्स है। अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टॉक में 4 बातें होनी चाहिए। 1, लंबी अवधि में शेयर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए। 2, जब मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो हमारा स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 3, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टॉक तेज़ी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 4, हमारा शेयर अपने सेक्टर का टॉप शेयर होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेयर निफ्टी से बेटर है या नहीं, यानी कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे। अगर आपको सेक्टर का टॉप शेयर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1/1/2014 को 1 लाख रुपए इस शेयर में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए हो गए। मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट शेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1/1/2014 के दिन 1 लाख रुपए निफ्टी 50 शेयर्स में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद 1/1/2020 के दिन वह 1 लाख रुपए हो गए। मार्च 2020 में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और अभी की वैल्यू है। फर्स्ट पॉइंट में निफ्टी जीत गया। सेकंड पॉइंट में निफ्टी जीत गया। थर्ड पॉइंट में निफ्टी जीत गया। एक मिनट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये शेयर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले 7 सालों में चले हैं, वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी वैल्यू कहाँ पहुंचेगी। 2020 में किसका परफॉर्मेंस बेटर रहा, ये शेयर का या निफ्टी का? यह है पिछले 1 महीने का रिटर्न, यह है 2 महीने का रिटर्न, यह है 3 महीने का रिटर्न, यह है 6 महीने का रिटर्न और यह है पिछले 9 महीने का रिटर्न। थैंक यू।